बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं कि ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछ रहे हैं। ये बकरा खांसी, अच्छा जी, ये क्या है जी? वालेकुम सलाम। तो मैंने कल भी लगवाए और उन्होंने मेरे हाथ से वो हेपाजेन के नाम से उन्होंने कुछ हेपागन। इंजेक्शन लगाए। उन्होंने 3 लगाए, एक तो कोई विटामिन की लगाई है, ताकत की लगाई है, एलर्जी ठीक। के एंटीबायोटिक लगाई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा, वही सुस्त खा नहीं रहा अभी। तो किसी ने मुझे टोटका बताया कि नमक मिर्च जो है ना मुंह में रगड़े, जबान में रगड़े, तो ये फिर ये जुगाली करना शुरू करेगा, खाना शुरू करेगा। तो आप मुझे बताएं ये ठीक है या नहीं। ये नमक मिर्च के बजाय वो ठीक है, हेपागन का जो इंजेक्शन उन्होंने लगाया है वो इसी के लिए होता है कि जुगाली भी करे और खाना पीना शुरू कर दे, ये लोगों की बातों में आके ख़राब ना कर दे। वैसे नमक रखना चाहिए, उससे प्यास, वो थोड़ा चाटते हैं तो उनको प्यास लगती है ज़्यादा। अदरवाइज़ जब मेटाबॉलिज्म ख़राब हो, खाना पीना बंद कर दिया और जुगाली बंद हो, तो उसके लिए बेहतरीन हेपागन का है या मेटाबोलेज का है। वो हेपागन के उन्होंने टीका लगाया, बिल्कुल ठीक है। कल फिर लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है। और स्टमक पाउडर मेरा वो देख लें और स्टमक पाउडर बना के रखें, ना हो तो कार्बिनेटिव मिक्सचर लेके आए, ये मार्केट आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, हाजमे वाला मिक्सचर, वो कार्बिनेटिव मिक्सचर, वो उसको 20 या 40 CC पिला दें, इंशाल्लाह ताला खाना पीना शुरू कर देगा। और दुआ भी करूँगा ठीक हो जाए, फी मान ला।